को वोट देंगे। कोई स्वाभिमानी समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की सुरक्षा पर खतरा बने हुए तत्वों को कभी समर्थन नहीं कर सकता है। और जब संकट था तभी दो लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से चाटों को पिटवा रहा था, झूठे मुकदमों में उन्हें जेल के अंदर ठूंस रहा था। गौरव और सचिन जैसे नवयुवक मारे जा रहे थे, तो वह व्यक्ति उन दंगाइयों को अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके सम्मानित करता था। आज शर्म नहीं आती इन लोगों को आपके पास आकर के फिर से गुहार करने की। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, जितने दंगाई थे चुन चुन करके इन लोगों को भी सबक सिखाने का कार्य हुआ है। 5 साल के अंदर हमने कहा, अगर हमारे निर्दोष लोगों को तुमने प्रताड़ित किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं कौन विधायक बने, कौन सांसद बने, महत्वपूर्ण ये कि समाज की सुरक्षा होनी चाहिए, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा सबसे प्राथमिक शर्त होनी चाहिए। और ये सुरक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इनकी जो ये लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा, एक खतरा है सुरक्षा के लिए, खतरा है। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना, यही तो है। और इसीलिए आज गुहार लगा रहे हैं, लाल पोटली लेकर के जा रहे हैं, हम संकल्प पे रहने। अरे तुम्हें संकल्प तो तुम ले ही नहीं सकते, तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहां के लोग मारे जा रहे थे। आखिर सचिन और गौरव की गलती क्या थी भाइयों बहनों? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई हमारी बहन के साथ क्यों तुम छेड़खानी करते हो, और किसी भी भाई को बोलना चाहिए। अगर उसने रक्षा सूत्र पहना है तो वह जरूर बोलेगा, और अगर वह व्यक्ति प्रतिकार करता है तो सही प्रतिकार करता है कि भाई देखो हमारी बहन के साथ, राह चलती हुई बेटियों के साथ छेड़खानी मत करो। और भाइयों बहनों, ये लोग सुरक्षा के साथ ही सेंध लगाते थे। और इसलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, अकेले भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो कहा सो करके दिखाया है। ये गांवों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मोदीनपुर की चीनी मिल के एक्सपेंशन की कार्रवाई हो, या मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे पहले भी बन सकती थी, पिछली सरकार को फुर्सत नहीं थी। 4 घंटे लगते थे यहां से दिल्ली पहुंचने में, आज 40 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। अभी तो हम रैपिड रेल दे रहे हैं, रैपिड रेल किराया भी कम, मेरठ से बैठे और 40 मिनट में दिल्ली। भाइयों बहनों, 30,000 करोड़ पे खर्च कर रहे हैं हम उस पर, 30,000 करोड़। और यही नहीं, मेरठ से प्रयागराज के लिए आप गंगा मैया तो मेरठ से ही जाती है, लेकिन गंगा और यमुना मैया की संगम स्थल है प्रयागराज, एक प्रमुख धाम है। इच्छा हुई सुबह 6 बजे निकले, 12 बजे, मात्र 6 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। प्रयागराज में संगम में स्नान किया, आज मौनी अमावस्या भी है, और स्नान का याद भी मैं आपको दिला दे रहा हूं। सुबह 6 बजे गए, 12 बजे संगम में स्नान, फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में। भैया भाइयों बहनों, ये है विकास। पहले पैसा कहां जाता था? पहले पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। इत्र वाले मित्र को देखा था ना? इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा, विकास का पैसा, इस पैसे को वहां नहीं लगने देता था, इकट्ठा करता था और आरसीसी की दीवार में कैद करता था। जब मां लक्ष्मी का उस पे श्राप लगा तो फिर हम लोगों को भी आदेश हुआ कि कहां बुलडोजर है। तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वो आरसीसी कितनी मोटी मोटी दीवारें थी और बुलडोजर जब उस पे चला, नोट की ढेर की गड्डियां पहाड़ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये गरीब का पैसा था, विकास का पैसा था। पहले कोई मुख्यमंत्री बनता था, अपना बंगला बनाता था। आपने देखा होगा ना, सपा बसपा की सरकार में कोई मुख्यमंत्री बना, अपना बंगला बनाता था, अपने लिए सुविधाएं खरीद करता था। बीजेपी की सरकार बनी, हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, गरीबों का मकान बनाओ। 43 लाख गरीबों को एक-एक आवास दे चुके हैं हम लोग तो। 43 लाख गरीबों को, 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय दे दिए हैं। और सपा बसपा के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी हैं, वो बिजली भी नहीं देते होंगे। क्या आपके यहां उनके समय में बिजली मिलती थी? सपा बसपा का मतलब अंधेरा। और क्या हमने विकास, बिजली तो सबको दी, अब तो बिजली मिल रही है ना, तो बिजली सबको हम लोगों ने दी। ये डबल इंजन की सरकार है, जहां बिजली नहीं भी लगी थी वहां बिजली लगा दी गई। और फिर भी कोई बचा होगा, हमने उसको भी मना नहीं किया, सब जगह हम बिजली देंगे, एक एक घर तक पहुंचाएंगे, किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा और फ्री में कनेक्शन भी देने जा रहे हैं। यह है सरकार। तो क्या हमने विकास में कोई भेदभाव किया क्या कि नहीं ये ब्राह्मण है इसको दे देंगे, ये जाट है इसको नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं हुआ ना। हमने तो कहा भाई सबका साथ सबका विकास का, ना जाति को देखा, ना चेहरे को देखा, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, विकास सबका। लेकिन तुष्टीकरण नहीं होगा भाई। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कावड़ यात्रा आपकी हो रही है ना, पहली सरकारें रोक लगा देती थी। भाइयों बहनों, कैसी सरकार चाहिए? कावड़ यात्रा प्रारंभ करने वाली सरकार चाहिए या कावड़ यात्रा रोकने वाली? और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए। आप में से एक कोरोना कालखंड है, कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? अभिनंदन आपका। जिन्होंने वैक्सीन ले ली है बहुत अच्छा किया, दोनों डोज लगाइए। जिन्होंने अभी नहीं ली उनको समझाइए ये कोरोना महामारी, इससे बचाव का एक ही उपाय है और वह है वैक्सीन। वैक्सीन की डोज लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करिए कि दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ने बनाई है। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी गरीबों को उपलब्ध कराया जा रहा है। 15 करोड़ लोगों को हम उत्तर प्रदेश में डबल, महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, जिससे कोरोना में किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े। हमारे नागरिक है तो उनकी चिंता हमें ही करनी है। पहले हमारे युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी और ये डबल जोड़ी की जो आई है ना, 2 लड़कों की जोड़ी, इनमें से एक जोड़ीदार अपने चाचा के साथ वसूली में निकल पड़ते थे, तब मेरठ और सिवाल खास का नंबर नहीं आता था। हमारे समय में तो जब मैं लोकसभा चुनाव में आया था, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के यहाँ बागपत के एक गांव में इन्होंने कहा था मैं यहाँ से जीतूंगा। मैंने कहा कैसे? इन्होंने कहा चलिए इस गांव में 27 हमारे जाट नौजवान पुलिस में भर्ती हुए हैं। ये बीजेपी की सरकार के समय हुआ है। पहले तो आपका चेहरा देख करके आपको बाहर कर दिया जाता था, नहीं तुम पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते, छांट दिया जाता था क्योंकि सेफाई घराना उसमें हावी हो जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई, तो लोगों ने निवेश किया। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा। और अब तो उत्तर प्रदेश का नौजवान भी ओलंपिक में मेडल लाएगा, क्योंकि हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी मेरठ में दे दिया है। ये विकास है। गरीब को राशन भी है, गरीब को विकास भी है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ माफिया की छाती पर बुलडोजर भी है। और ये वही कर सकता है जिसकी सोच ईमानदार हो और काम दमदार हो। आपको ईमानदार सोच और दमदार काम वाली सरकार चाहिए ना, तो भाजपा देगी। मनिन्द्रपाल सिंह जी को भारी वोट से जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे सामने संकल्प होकर के बोलो।